मैं हुसैन जाहिद पनीरी मैरीलैंड से बोल रहा हूँ। लास्ट सर? टाइम मुफ्ती साहब ने मेरा लास्ट इस फरवरी का लास्ट संडे जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया था, तो माशाल्लाह वो मेरा नाम हुसैन जाहिद मनीरी है। तो माशाल्लाह डॉक्टर ने 4 बाईपास और मेरा वाल भी खोलने का डायग्नोस किया था, क्योंकि अल्लाह के फजल से ना वाल खुला है ना बाईपास हुए, उसके बगैर ही अल्लाह ने 3 वेने क्लीन के और स्टेबल कर दिया सारा, और माशाल्लाह चौथी भी आपकी दुआ से इंशाल्लाह हो जाएगी। आपकी दुआ और अल्लाह की मेहरबानी से सारा कुछ हुआ, और हर बंदा हैरान है, हर माशाल्लाह बंदा हैरान है। और मैं बहुत लोगों को ये दिया है, वो जो जो मैं होम रेमेडी भी यूज किया, और बहुत लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा, दूसरा मैं इस प्रोग्राम की आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसकी बहुत जरूरत थी। और मेरा एक छोटा सा ख्वाब है, जी मैं ख्वाब ये देखा कि मैं एक जगह पे सालन खा रहा हूँ, वो ना जाफरानी कलर का सालन, इतना टेस्ट है उस सालन का कि बयान नहीं किया जाए, ऐसा सालन मैंने खाया ही नहीं कभी। रोटी के साथ मैं खाई जा रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ मजे ले रहा हूँ। तो सालन काफी बच जाता है तो एकदम सीन चेंज होता है, तो मेरे हाथ में एक रोटी बच जाती है, तो मैं वो रोटी तोड़ के एक टुकड़ा मेरे साथ बंदा बैठा उसे देता हूँ। अच्छा, ये ख्वाब बताओ, मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूँ, ये वो ख्वाब है, मैं ठीक रमजान का रोजा इफ्तार कर रहा हूँ, और वो ये ख्वाब है मैं रोजा इफ्तार करने की। तो वो मैं साथ मेरे बंदा बैठा उसे मैं रोटी देता हूँ, दो एक टुकड़ा करके थोड़ी देर बाद दूसरा टुकड़ा भी उसको देता हूँ, ये ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम। जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन जायद मुनीरी मैरीलैंड से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, हमारे वज़ायफ़ से, हमारी दुआओं से आपको फ़ायदा पहुंचा, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दिल के ऑपरेशन से बचा लिया और सेहत तो आफ़ियत दे दी। ये सब अल्लाह की लुत्फ़ इनायत है, हम तो एक वास्ता हैं। असल जो है हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के नामों की और के कलाम की बरकत आप जो है वो जो है देखते हैं, उसके सवारात आपको मिलते हैं। ये सब आपकी अकीदत मोहब्बत का नतीजा है। बाकी ख्वाब आपने जो देखा बहुत खूबसूरत ख्वाब है। आप जो सालन खा रहे हैं और इतना लजीज सालन और ज़ाफ़रानी सालन, और उसमें आपको लज्जत महसूस है और रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह आप जो है हुस्ने ज़न रखें अल्लाह के बारे में। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए मग़फ़रत का फ़ैसला कर देंगे और आप जो है इंशाल्लाह जन्नत और बहिश्त के खानों से महजूज़ होंगे। और गोया कि आप दुनिया में आप जो इबादत रोज़े की इबादत नमाज की बात कर रहे हैं, उन इबादतों के कबूल होने की अलामत है, जिसका समरा दुनिया के अंदर भी इंशाल्लाह जाहिर होगा। और आगे रोटी देने का मतलब ये है कि सदकात और खैरात के अंदर कभी बुखल ना करें, आगे जो है भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना और प्यासों को पानी पिलाना, ये अपना जो है वो गोया कि मिशन रखें। जितना मौका हो जाए, एक रोटी का भी हो जाए, वो आगे बांटना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त खैर बरकत और अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं।